हेलो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज क्वेश्चन नंबर इलेवन स्टार्ट करते हैं ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकल ऑन द बैंक ऑफ द कैनल यानी एक कैनल कैनल नहर नहर के एक तट पे एक किनारे पे एक टीवी का टावर लगा हुआ है यानी ये ये आपकी नहर है इसके एक किनारे पे टावर लगा हुआ है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर इसके जस्ट एकदम अपोजिट दूसरा पॉइंट है सी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप यानी इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन किसका टॉप का वो कितना है सिक्सटी फ्रॉम द अनदर पॉइंट ट्वेंटी मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट से ट्वेंटी मीटर दूर एक पॉइंट डी है वहाँ से एंगल ऑफ इस टावर का जो एंगल है वो कितना है थर्टी डिग्री और आपको निकालना क्या है द फाइंड द हाइट ऑफ टावर एंड द विड्थ ऑफ द दिनल ये आपका डायग्राम है इस डायग्राम को अपन पूरा बनाया हुआ है बुक में भी दिया हुआ है तो सबसे पहले आपको हाइट निकालनी है तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच मीटर द लेट विड्थ ऑफ कैनल इक्वल टू तो एक्स मीटर तो पहले मैं इस ट्राइंगल को लेता हूँ इन दोनों में रिलेशन है तो ये परपेंडिकुलर ये बेस तो ये रिलेशन कौन रिप्रजेंट करता है टेन थीटा तो इस ट्राइंगल के अंदर इन ट्राइंगल ए बी सी तो टेन थीटा इक्वल टू तो पी अपॉन बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस इक्वल टू ए बी परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी और बेस कितना आपका बी सी तो ए बी में बी सी ये वाली थीटा की वैल्यू तो टेन टेन सिक्सटी इक्वल टू एच अपॉन में ए बी की वैल्यू एच और इसका इसकी, इसकी वैल्यू कितनी मान ली मैंने एक्स तो एच अपॉन में एक्स इसकी वैल्यू कितनी रूट थ्री इक्वल टू एच अपोन में एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एच की वैल्यू एक्स रूट रूट थ्री मीटर आ जाएगी ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी डी में इस वाले ट्राइंगल में बड़े वाले में टेन थीटा इक्वल टू ए बी अपन में बी डी क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर ये है बेस आपका ये पूरा है अब मैं इसको ये प्लस ये लिख सकता हूँ ये कितना बी सी प्लस सी डी यानी बी डी को बी सी प्लस सी डी अब इसकी वैल्यू अपन जानते हैं कि वन अपॉन रूट थ्री होती है एच की वैल्यू आपको निका आप निकाली है एक्स रूट थ्री अपॉन में बी सी की वैल्यू कितनी है एक्स और फिर इसकी वैल्यू कितनी है टंटी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये तो इधर मल्टीप्लाई कितना x प्लस ट्वेंटी इक्वल टू ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो x रूट थ्री इंटू रूट थ्री ये x इधर आएगा तो ट्वेंटी इक्वल टू एक्स रूट थ्री रूट थ्री मिलके कितना थ्री ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का x यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x इक्वल टू एक्स यानी टू एक्स इक्वल टू ट्वेंटी एक्स कितना हो गया टेन एक्स क्या था विथ ऑफ नहर तो ये वर्थ आ गई नहर की अब मैं इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करूँ तो पुट द वैल्यू ऑफ द वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टेन मीटर इन इक्वेशन वन वन में पुट करोगे तो एच की वैल्यू एक्स रूट थ्री तो एक्स कितना था टेन रूट थ्री ये आपकी हाइट आ गई किसकी टावर की नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व फ्रॉम द टॉप टॉप ऑफ ऑफ मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर एक आपका बिल्डिंग है और इसके जस्ट सामने एक आपका ये बिल्डिंग और ये इस ग्राउंड लेवल पे बनी हुई है तो सबसे पहले द सेवन मीटर हाई बिल्डिंग ये कितना है सेवन मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ इलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल यानी एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ केबल इस केबल का टॉप ऑफ एंगल कितना है सिक्सटी कहाँ से फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग से यानी इससे ये एंगल हो गया ये एंगल बनाने के लिए आपको ये निकालना पड़ेगा पहले तो ये इस ओरिजेंटल लेवल को मान लेते हैं अपन तो ये एंगल कितना है सिक्सटी फिर बोला हुआ है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज़ फिफ्टी यानी इस टावर का जो फुट है वो ये है यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है ये कितना आपका फोर्टी फाइव डिग्री डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर आपको क्या निकालना है ये हाइट निकालनी इस हाइट को मैं क्या मान लेता हूँ एच मान लेता हूँ तो देखो ये सेवन सेंटीमीटर है तो यहाँ तक की लेंथ कितनी हो गई सेवन यदि मैं ये वाली वैल्यू निकालूँ तो अपना क्वेश्चन हो जाएगा तो ये ए है आपका बी सी और डी और ये पॉइंट आपका ये है अब ये जो हॉरिजेंटल लेवल और ये हॉरिजेंटल लेवल आपस में पैरल है तो ये फोर्टी फाइव डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा फोर्टी फाइव तो सबसे पहले आप लिख लेना द लेट करके हाइट ऑफ हाइट ऑफ टावर इक्वल टू एच मीटर तो इन ट्राइंगल ए बी सी में यदि मैं टेन थीटा लगाऊं तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस तो बेस कितना आ जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी अपॉन में बी सी टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू ए बी कितना सेवन बी सी आपको निकालना है इसकी वैल्यू कितनी वन इक्वल टू सेवन अपॉन में बी सी यहाँ से मैं सकता हूँ बी सी इक्वल टू सेवन मीटर अब ये बी सी सेवन मीटर आ गया तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है क्योंकि दोनों एकदम पैडल लाइन पे बने हुए ये और ये इनके बीच की जो तो डिस्टेंस इक्वल होगी पूरा सेम तो ये सेवन मीटर आ गई अब यदि मैं ये आ गया तो ये निकाल सकता हूँ तो इन ट्राइंगल कौन सा ए डी ए डी में ए ई e, डी में तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा की वैल्यू कितनी है सिक्सटी डिग्री परपेंडिकुलर अब ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर और ये आपका बेस परपेंडिकुलर कितना है डी ई और बेस कितना आपके पास में सेवन इसकी वैल्यू कितनी है रूट थ्री और ये डी ई अपॉन में सेवन क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो डी ई की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में सेवन रूट थ्री ये डी ई की वैल्यू और आपको क्या चाहिए हाइट ऑफ टावर यानी एच चाहिए तो एच की वैल्यू हाइट ऑफ टावर वो एच माना था एच कितना है डी सी और एच इक्वल टू डी सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ डी ई प्लस में CE डी ई प्लस में CE ये लिख सकते हैं अपन एच इक्वल टू डी की वैल्यू कितनी आ गई सेवन रूट थ्री प्लस सेवन रूट थ्री प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है सेवन एच इक्वल टू सेवन को मैं कॉमन निकाल लूँ तो रूट थ्री प्लस वन ये आपके टावर की हाइट आ जाएगी किस में आएगी मीटर के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर थर्टीन ए ओबजर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ सेवेंटी मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल यानी ये आपका सी लेवल है इस इस सी लेवल से एक लाइट हाउस बना हुआ है कितने टॉप पे बना हुआ है 70 मीटर हाई पे बना हुआ है तो ये मीटर के अंदर है इसकी वैल्यू एम में मीटर में ले लेते हैं सी लेवल द एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू सिप यानी दो शिप एक यहां पे है और एक यहां पे है ये एक पहली शिप है और ये दूसरी शिप है तो इस पॉइंट से पहला जो एंगल है वो आपका कितना है थर्टी डिग्री तो ये वाला होगा थर्टी डिग्री फिर दूसरी सिप यहाँ पे है तो ये आ जाएगा आपका कितना फोर्टी फाइव डिग्री अगले ने बोला है कि इफ वन सिप इज़ एग्जैक्टली बियाइंड द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ लाइट हाउस यानी लाउट लाइट हाउस के सेम साइड में और दोनों एक दूसरे की क्या है पीछे फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिप यानी इन दोनों की वैल्यू निकालनी है ये निकालनी है आपको ये कब आएगी जब ये आ जाए ये निकालना पड़ेगा आपको तो इसको मैं मान लेता हूँ ये ए बी सी और ये डी तो सबसे पहले मैंने इसको माना है ये क्या है डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप तो लेट करके लेट द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप इक्वल टू एक्स मीटर फिर इन ट्राइंगल ए बी डी में इस वाले ट्राइंगल के अंदर ले अपन तो टेन फो टेन थीटा ले हीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना ए बी ये नाइन्टी आपका ए बी अपौन में बी डी तो टेन फोर्टी फाइव डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है सेवेंटी फाइव मीटर है रहने दो बी डी आपको निकालनी है इसकी वैल्यू कितनी होगी वन तो सेवनटी फाइव अपौन में बी डी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी इक्वल टू सेवेंटी फाइव मीटर में आ जाएगी वैल्यू बी डी की वैल्यू निकाल फिर नेक्स्ट अपन दूसरा ट्राइंगल लेंगे कौन सा इन ट्राइंगल ए बी सी इन दोनों ट्राइंगल के लेंगे तो वही सेम टेन थीटा इसके सामने परपेंडिकुलर तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना ए बी बेस कितना आपके पास में बी सी टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी सेवेंटी फाइव बी सी की वैल्यू कितनी है बी डी प्लस डी सी बी डी प्लस डी सी और टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री सेवनटी फाइव अपॉन में बी डी की वैल्यू निकाली हुई है यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप यूज़ कर सकते हो तो बी डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में सेवेंटी फाइव प्लस डी सी एक्स ये कहाँ से आया फ्राम इक्वेशन फर्स्ट से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सेवनटी फाइव इधर और ये एक्स प्लस में एक्स इक्वल टू ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो सेवनटी फाइव रूट थ्री तो एक्स इक्वल टू सेवनटी फाइव रूट थ्री माइनस सेवनटी फाइव तो एक्स इक्वल टू सेवेंटी फाइव को मैं कॉमन निकालूँ तो रूट थ्री माइनस वन ये आपके एक्स की वैल्यू आ गई एक्स क्या था डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप तो ये आपका क्या आ गया आंसर तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं फोर्टीन ए वन पॉइंट टू मीटर टाल गर्ल स्पॉट ए ब्लूम मूइंग विथ विंड इन ए हॉरीजेंटली लाइन एट द हाइट ऑफ एटी एट पॉइंट टू मीटर फ्रॉम द ग्राउंड यानी ये बोला है कि वन पॉइंट टू लंबी एक गर्ल है वो ब्लूम को छोड़ रही है और जो विंड के हॉरीजेंटल यानी विंड किस में विद द विंड इन होरिजेंटल लेवल दोनों का लेवल क्या है एक हॉरिजेंटल लाइन यानी ये जो लाइन है इसी इसी लाइन पे ये दोनों मूव करेंगे किस हाइट पे 88.2 अब ये यहाँ से हाइट है और जो लड़की की हाइट कितनी है 1.2 है तो उसकी आंख तो यहीं से देखेगी तो ये जो हाइट है इसमें से माइनस करूँगा तो सबसे पहली बात तो ये आ जाएगी आपकी यानी जो आपको ये वैल्यू निकालनी है या फिर ये निकाल लो डी ई डी ईक्ल टू बी सी ये जो वैल्यू है वो कितनी आ गई अपने पास में 88.2 मीटर माइनस करेंगे 1.2 को तो कितना आएगा डी बी सी की वैल्यू तो ये आ जाएगा 1 2 माइनस और 1 को करेंगे तो 87 मीटर आ जाएगा ये ध्यान रखना ये डी ई इक्वल टू बी सी दोनों की वैल्यू यही है आपके पास में फिर आगे है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ऑफ द ब्लून फ्राम द सिक्स डिग्री तो पहला जो एंगल है इस ब्लूम का वो कितना है एलिवेसन एंगल सिक्सटी है आफ्टर सम टाइम कुछ टाइम बाद में ये ब्लूम यहाँ पर आ जाएगा द एंगल ऑफ एलिवेसन इसी से रिड्यूस कितना हो जाएगा यानी एंगल सिक्सटी से रिड्यूस होकर कि कितना थर्टी डिग्री फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवलिंग बाई द ब्लूम ड्यूरिंग द इंटरवल अब आपको क्या निकालना है ये वाली डिस्टेंस निकालनी है ये वाली डिस्टेंस यदि ये, ये आ जाए और पूरी आ जाए पूरे में से ये माइनस कर दूंगा तो ये आ जाएगी और ये आपको लेवल यानी ये आपको डिस्टेंस निकालनी है तो इसी को मैं क्या मान लूँ एक्स की वैल्यू तो लेट बी ई इक्वल टू कितना हो गया एक्स मीटर अब निकालते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल ए ई डी में ये 90 है इस 90 वाले ट्राइंगल में अपन लें तो ये थीटा थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये बेस आ जाएगा तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर कितना है डी ई e. बेस कितना आपका ए ई e. तो टेन सिक्सटी डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है ये जितनी है कितनी है थर्टी सेवन मीटर तो एट्टी एट्टी सेवन मीटर एट्टी सेवन अपॉन में ए ई ए कितना आ जाएगा अपने पास में निकालना आपको इसकी वैल्यू रूट थ्री इक्वल टू एट्टी सेवन अपॉन में ए ई यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ जाएगा एट्टी सेवन अपॉन में रूट थ्री अब रूट थ्री कभी भी नीचे नहीं रहना चाहिए तो इसको हटाने के लिए क्या करें रूट थ्री और रूट थ्री से मल्टीप्लाई तो ए ई की वैल्यू आ जाएगी एट्टी सेवन रूट थ्री अपॉन में रूट थ्री रूट थ्री मिलकर कितना थ्री तो ए की वैल्यू अपन इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा टू सेवन तो ट्वेंटी सेवन रूट थ्री मीटर ये ए की वैल्यू आ जाएगी अपने पास में इस इक्वेशन का अपन यूज़ करेंगे तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट इन ट्राइंगल ए बी सी में इसमें भी टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना है बी सी बेस कितना है ए बी तो टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू बेस की वैल्यू एट्टी सेवन परपेंडिकुलर की वैल्यू एटी सेवन और ए बी की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास में इसको लिख सकता हूँ मैं ए प्लस बी बी ई ए प्लस बी ई तो टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री इक्वल टू एट्टी सेवन ए की वैल्यू कितनी है ट्वेंटी सेवन रूट थ्री और बी की वैल्यू कितनी है एक्स इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेंटी सेवन रूट थ्री प्लस एक्स इक्वल टू एट्टी सेवन एट्टी सेवन रूट थ्री इसको कैंसिल आउट करेंगे तो टू ट्वेंटी सेवन नहीं आएगा ये ट्वेंटी नाइन आएगा तो ये कितना आ जाएगा आपका ट्वेंटी नाइन रूट क्योंकि एट्टी सेवन में डिवाइड करेंगे तो टू रिमेनिंग टू ट्वेंटी सेवन में तीन थ्री से डिवाइड करेंगे तो नाइन बार जाएगा ध्यान रखना तो ये आपकी वैल्यू कितनी है ट्वेंटी नाइन है ये कितना जाएगा ट्वेंटी नाइन अब इस x की वैल्यू निकालनी है तो x इक्वल टू एट्टी सेवन रूट थ्री माइनस ट्वेंटी नाइन रूट थ्री कॉमन क्या आ रहा है रूट थ्री अब कॉमन रूट थ्री आ गया तो इन दोनों को मैं माइनस करूँगा यानी निकाल लेते हैं पहले कॉमन एट्टी सेवन माइनस ट्वेंटी नाइन तो रूट थ्री एट्टी सेवन में से ट्वेंटी नाइन माइनस करेंगे तो सेवनटीन में से नाइन गया तो कितना एट और एट में से थ्री गया कितना फाइव तो इसकी वैल्यू आ जाएगी अपने पास में फिफ्टी एट रूट थ्री एक्स की वैल्यू आ गई यानी जो ब्लूम है वो कितना मुंह कर रहा है फिफ्टी एट रूट थ्री मीटर फिफ्टीन क्यूशन ए स्टेट हाईवे लीड टू फुट ऑफ टावर ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एट द एंगल ऑफ डिफ्रेशन इज थर्टी डिग्री यानी एक टावर है इस टावर पे एक मैन खड़ा है और जो रोड पे ऑफ द टावर कार यानी दो कार जा रही है किस तरफ आ रही है इस टावर की तरफ यानी क्या लिखा ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर ऑब्जर्व ए कार एंगल ऑफ डिफ्रेशन। तो एंगल डिफ्रेशन निकालने के लिए इस होरिजेंडल लेवल को नापना पड़ेगा आपको लेवल बनाना पड़ेगा विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड सिक्स सेकेंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी छः सेकेंड बाद में एंगल ऑफ़ डिप्रेशन इज कार फाउंड टू बी सिक्सटी डिग्री फाइंड द टाइम टेकन बाई कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम द दिस पॉइंट यानी इस पॉइंट से इधर इस टावर की तरफ क्या आ रही है कार आ रही है तो ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ ये ए है आपका ये बी है ये सी है तो इसको देखने के लिए ये कार है बना देता हूँ मैं कार को भी अब ये कार ये एक यूनिफॉर्म यानी स्पीड क्या यूनिफॉर्म मतलब क्या कॉन्स्टेंट स्पीड से ये चल रही है और छः सेकंड बाद में यहाँ पे आ जाती है तो इस पॉइंट का नाम डी यानी यहाँ पे आ जाती है तो ये लो ये कितना टाइम ले रही है छः सेकंड बाद में आ जाती है तो इस डी पॉइंट तक यहाँ तक आने में ये टाइम कितना लेगी तो यूनिफॉर्म स्पीड है तो सबसे पहले ये जो डिस्टेंस मानूंगा इसको मैं क्या मान लेता हूँ एक्स मान लेता हूँ और यहाँ से ये जो डिस्टेंस इसको मैं क्या मान लेता हूँ वाई मान लेता हूँ आप पहले देखो जो एंगल ऑफ डिफ्रेशन वो कितना है थर्टी डिग्री और उससे बाद के जो एंगल बन रहा है वो कितना है यहां पे मैं लाइन बना देता हूं ये कितना है आपका सिक्सटी डिग्री तो अपन ये जानते हैं कि स्पीड इक्वल टू ये आपका दोनों कार है ये डिस्टेंस हो गई और ये सब हो गया अब आपको निकालना है इसमें ये यहाँ पे टाइम निकालना है तो अपन माने तो स्पीड क्या है की दोनों की क्या है कांस्टेंट है यानी इससे यहाँ तक आने में कांस्टेंट स्पीड से होगा यदि मैं इसको मान लूँ चलो इसको बाद में करते हैं सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन की स्पीड निकालते हैं तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन में टाइम टाइम इक्वल टू क्या होगा ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके कितना डिस्टेंस अपॉन में स्पीड ये फॉर्मूला आ जाएगा अपने पास में अब देखिए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है एक्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने में जो टाइम लगा है यानी ये कवर इतना ही तो किया है कितना टाइम लगा सिक्स इसकी वैल्यू मीटर पर सेकेंड ये आपकी स्पीड की वैल्यू आ गई अब इसी स्पीड इस से इस टावर की तरफ ये पहुंचेगी तो स्पीड तो क्या है कांस्टेंट है तो अपने पास में ये वैल्यू आ जाएगी यदि मैं टाइम निकालने के लिए डिस्टेंस तो अपने पास में है ही है और मैं स्पीड की वैल्यू और निकाल लूँ स्पीड निकली हुई है यदि डिस्टेंस निकाल लूँ वाई की वैल्यू तो अपना काम हो जाएगा तो सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को लूँ और जो टावर की हाइट है इसको मैं एच मान लूँ ये लूँ तो स्टार्ट करते हैं इन ट्राइंगल ए बी डी में तो इस ट्राइंगल के अंदर इस ट्राइंगल को निकालने के लिए इसमें वैल्यू निकालने के लिए टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस आ जाएगा अब देखो ध्यान से थीटा कितना है ये एंगल निकालना है तो यदि ये एंगल आपका 60 है तो ये भी कितना होगा सिक्सटी ये थर्टी है तो ये भी कितना होगा थर्टी इस ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर ये बेस है तो परपेंडिकुलर कितना है ए बी और बेस कितना अपने पास में बी डी तो टेन सिक्सटी सिक्सटी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है एच पी डी की वैल्यू कितनी है वाई यहाँ से टेन सिक्सटी की वैल्यू कितनी रूट थ्री और ये कितना आ जाएगा एच अपॉन में वाई यहाँ से मैं एच की वैल्यू निकाल लूँ तो कितना रूट थ्री इंटू वाई मीटर ये टावर की यानी जो टावर बना हुआ था उसकी हाइट आ गई अब अपन बड़े वाले ट्राइंगल को लेते हैं तो इन ट्राइंगल बड़ा वाला क्या है ए बी सी में ए बी सी में इस ट्राइंगल के अंदर अपन टेन थीटा अप्लाई करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना ए बी बेस कितना यहाँ पे बी सी तो टेन थर्टी डिग्री इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है एच और ये वाई इसको मैं लिख सकता हूँ बी डी प्लस में डी सी इसकी वैल्यू कितनी होती है वन अपॉन रूट थ्री एच की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो रूट थ्री वाई अपोन में बी डी की वैल्यू कितनी वाई और इसकी वैल्यू कितनी एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई ये तो इधर मल्टीप्लाई तो वाई प्लस एक्स इक्वल टू इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो थ्री वाई फिर यहाँ से मैं ले सकता हूँ ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो x इक्वल टू थ्री वाई माइनस वाई तो थ्री वाई माइनस वाई कितना टू वाई इक्वल टू कितना x तो y इक्वल टू कितना x बाई टू ये क्या आ गई आपकी इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक की डिस्टेंस आ गई यानी मीटर में अब अपन टाइम निकालते हैं टाइम कौन सा इस D पॉइंट टू B तक का यानी D टू B तक का इसका टाइम निकालेंगे तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड अब स्पीड तो यूनिफॉर्म है तो स्पीड तो सेम होगी डिस्टेंस कितनी x बाई टू जो स्पीड थी वो कितनी आई थी x बाई स तो एक्स बाई टू इंटू सिक्स बाई एक्स 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 कैंसिल आउट हो गया सिक्स बाई टू कितना थ्री सेकेंड यानी उस कार को उस टावर तक पहुंचने में कितना समय टाइम लगा थ्री सेकेंड का टाइम लगा अच्छा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर है क्वेश्चन ध्यान रखना अब क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्राम टू पॉइंट एट द डिस्टेंस ऑफ द फोर मीटर एंड नाइन मीटर फ्राम द बेस ऑफ द टावर ऑफ द टावर एंड द सेम स्टेट लाइन विथ आर द कॉम्प्लीमेंट्री यानी द एंगल ऑफ एलिशन एक टावर के दो पॉइंट एंगल ऑफ एलिशन का जो सम है एक स्ट्रेट लाइन वो कॉम्प्लीमेंट्री है प्रूफ द एट द हाइट ऑफ टावर इज सिक्स मीटर आपको हाइट निकालनी है कि वो हाइट कितनी है आपकी सिक्स मीटर है तो देखिए यह आपका टावर है इसी टावर के स्टे लाइन पे दो पॉइंट है आपका ये वाला एक तो पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट है ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों का जो सम आपको गिवन है कितना कॉम्प्लीमेंट्री यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कितना आपका कॉम्प्लीमेंट्री अब यदि अपन ये जानते हैं कि इस एंगल और इस एंगल की जो सम है वो कितना होगा नाइन्टी होगा तो ये जो पॉइंट है वो कितना दूर है फोर मीटर दूर है और ये कितना दूर है नाइन मीटर दूर है अब आपको निकालना क्या था प्रूफ दैट द हाइट ऑफ टावर यानी ये निकालनी है कि इसकी हाइट सिक्स मीटर है हाइट कितनी है सिक्स मीटर ये आपको निकालनी है तो देखिए निकालते हैं ये नाइन यदि ये इसको मैं थीटा मान लूँ तो इन दोनों का सम नाइन्टी है तो नाइन्टी दोनों का समय नाइन्टी में से थीटा गया कितना नाइन्टी माइनस थीठा तो सबसे पहले ये नाइन्टी हो गया आपका तो इन ट्राइंगल कौन सा ए बी सी में इसमें टेन टेन ये परपेंडिकुलर और ये बेस हाइट निकालनी थी आपको तो दोनों में कॉमन क्या आपकी हाइट ही है कॉमन ही है तो ये लिख सकता हूँ मैं थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस परपेंडिकुलर कितना है ए बी में बेस कितना आपके पास में फोर तो टेन बेस को एक बार BC लिख देता हूँ मैं BC तो टेन थीटा इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी AB की वैल्यू AB और BC की वैल्यू फोर इक्वेशन नंबर फर्स्ट फिर इन ट्राइंगल ABD में इस ट्राइंगल के अंदर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर वही है तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस परपेंडिकुलर कितना यहाँ पर ए बेस कितना यहाँ पर बी और टेन थीटा की वैल्यू कितनी 90 माइनस थीटा इस थीटा की वैल्यू कितनी होगी नाइन्टी माइनस थीटा और ए बी की वैल्यू कितनी ए बी बी डी की वैल्यू कितनी है अपने पास में नाइन नाइन अब टेन नाइन्टी माइनस थीटा कितना होता है कोट थीटा और ये ए बी अपॉन में नाइन इक्वेशन नंबर सेकेंड इक्वेशन वन इंटू टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा टेन थीटा इन टू कोट थीटा इक्वल टू कितना ए बी अपॉन में फोर ए बी अपॉन में नाइन इन दोनों को कैंसिल आउट करूँगा क्योंकि कोर्ट थीटा इक्वल टू क्या होता है वन अपॉन टेन थीटा तो ये आपस में कैंसिल आउट होके कितना यहाँ पे वन इक्वल टू ए बी स्क्वायर में थर्टी सिक्स ये ले सकता हूँ ये थर्टी सिक्स इधर मल्टीप्लाई होगा तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू कितना जाएगा अपने पास में थर्टी सिक्स तो ए बी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस सिक्स क्योंकि अपन इस स्क्वायर को उठाएंगे तो दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर रूट या फिर आप ऐसे ले सकते हो ए बी इक्वल टू प्लस माइनस रूट थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स का रूट कितना सिक्स अब प्लस माइनस की वैल्यू है तो ये ये क्या आपकी हाइट है किसकी हाइट है उस टावर की जो अपन इसमें ले रहते हैं उस टावर की हाइट है और हाइट कभी भी नेगेटिव नहीं आती है तो ए बी की वैल्यू कितनी लेना पड़ेगा सिक्स मीटर और क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि आपको प्रूफ ये दिखाना है कि हाइट द हाइट ऑफ टावर कितना है सिक्स मीटर तो ये आपका क्या हो गया प्रूफ हैंड्स प्रूफ थैंक यू सो मच आपको वीडियो लाइक करे तो दोस्तों को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच